Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start quadratic equation practice set 2.6 example 4. In example 4, Vivek is older than Kishore by 5 years. यहाँ word है Vivek is older than. देखिए than जिसको भी लगा है उसे हम x consider करेंगे. Let प्रेजेंट एज ऑफ किशोर भी एक्स ईयर्स. यहाँ पे ईयर्स लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एज का प्रॉब्लम है. अगर हम ईयर्स नहीं लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में हमारा हाफ मार्क्स माइनस हो जाएगा. लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर भी एक्स ईयर, तो किशोर का एज हो गया एक्स ईयर. सेकंड है विवेक और यहाँ वर्ड है ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज एक्स प्लस 5 ईयर्स. देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस. यहाँ वर्ड है रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स. जैसा किशोर का एक्स है तो उसका इनवर्स 1/x. विवेक का एक्स प्लस 5 है, उसका इनवर्स 1/x+5 फ्रॉम गिवन कंडीशन. देयर एजेस इज 1/6 मीन्स 1/x और 1/6 इसका है सम. SUM सम. सम मीन्स प्लस. 1/x एज इट इज प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/6. 1/6 गिवन है हमें. अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 1 को x+5 से मल्टीप्लाई किए, आंसर x+5. x इंटू 1x, नीचे में डिवाइड x इन ब्रैकेट x+5 इज इक्वल टू 1/6. x plus x 2x प्लस 5. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. x इंटू 5x इज इक्वल टू 1/6 एज इट इज. फिर से दोनों के बीच में इक्वल का साइन है. फिर हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 6 इन ब्रैकेट 2x+5 इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट x² + 5x. 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12. एक्स एज इट इज प्लस का साइन. 6 को 5 से इंटू करेंगे 30 इज इक्वल टू 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे x² 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x मीन्स x² + 5x. 12 का साइन चेंज हो जाएगा -12. प्लस 30 का साइन चेंज होगा -30 इज इक्वल टू 0. x² एज इट इज. अब यहाँ देखिए लाइक टर्म है 5x - 12x. 5x - 12x आंसर -7x. -30 एज इट इज इक्वल टू 0. x² - 7x - 30 इज इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया है. अब हमें इसके फैक्टर फाइंड करना है. फैक्टर फाइंड करने के लिए x² का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म हमें 30 गिवन है. 1 × 30 31 = 30. 30 के हमें ऐसे फैक्टर फाइंड करना है जिसका आंसर -7 आना चाहिए. तो 10 × 3 = 10. अब यहाँ वेरिएबल x यूज हुआ है तो हमने भी वेरिएबल x यूज किया. साइन 7 को माइनस है तो 10 को माइनस आ जाएगा, 3 को प्लस आएगा. x² एज इट इज. ये जो 7x है वहाँ हमने लिखा -10x + 3x. 30 एज इट इज, उसका साइन भी एज इट इज इक्वल टू 0. अब हम पेयर बनाएंगे. ये हमारा फर्स्ट पेयर, ये हमारा सेकंड पेयर. फर्स्ट पेयर से x कॉमन इन ब्रैकेट x - 10 प्लस 3 कॉमन इन ब्रैकेट x - 10 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ब्रैकेट कंटेन x - 10 एंड सेकंड ब्रैकेट कंटेन x + 3 इज इक्वल टू 0. x - 10 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0. -10 शिफ्ट होगा तो +10 और +3 शिफ्ट होगा तो -3. बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव. एज कभी नेगेटिव नहीं रहता. देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 इज अनएक्सेप्टेबल. यानी जो ये -3 था इसे हम आगे नहीं लेंगे, हम आगे लेंगे 10 को. देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 एंड x + 5 इज इक्वल टू 10 + 5 इज इक्वल टू 15 आंसर आ गया. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ किशोर एंड विवेक आर 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली. ओके, थैंक यू.